अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। कल गाइस बहुत थकान हो गई थी और मेरे साथ फिर से बैड सीन हो गया कि मेरी आईज आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्वाइलिंग हो रही है मेरी आँख में, और पता नहीं कैसे हो गया ये, समझ में नहीं आ रहा मुझे, लेकिन बस हो गया ये। और बहुत शदीद दर्द है जिसकी वजह से मेरा इतना हिस्सा पूरा दर्द कर रहा है, लेकिन बस शायद नज़र भी लग गई थोड़ी बहुत प्यारी, थोड़ी सी लग रही थी। खैर, आपके कमेंट्स आए, अच्छे अच्छे आए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई दिल से। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करे, इतना ज़्यादा हमें पसंद करा, और इंशाल्लाह बारात में भी, वलीमे में भी हम आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आप लोग कमेंट्स करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और ये आँख बस दुआ करें बारात से पहले पहले जल्दी सही हो जाए। खूब बर्फ़ की सिकाई कर रही हूँ मैं, और सुबह सुबह इन्होंने भी मुझे बहुत तंग करा है। सोते सोते हमें सुबह के 4-5 बज रहे थे, और 5 बजे तो आयाज और मैं रोड पे चाय पीने के लिए गए थे। व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि 5 बजे हम मोबाइल लेके बाहर नहीं निकल सकते। सुबह उठते ही मैंने मैच साथ में मैच खेला, मैच के दीवाने ही अब्बा की तरह अपने। तो गाइस अभी दिन में क्या करते हैं मिलते हैं आपसे, बताते हैं आपको। आज कोई इवेंट नहीं है मतलब, लेकिन आज ये थोड़ा ढोलकी वगैरह रच जाएगा वो शायद। खैर, ढोल तो 24 घंटे ही बजता है हमारे, अजान के अलावा, नमाज के अलावा। बाकी इनके अनस भाई आए हुए हैं, अनस भाई के साथ बड़े ये दीवाने हुए हुए हैं। अनस भाई इनके पप्पो के बेटे हैं, तो अभी चले गए हैं, वो असल में ड्रेस लेकर नहीं आए थे अपने, और उनको ट्यूशन भी जाना है तो इसलिए वो निकल गए थे। तो गाइस अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, कुछ नया करते हैं आपके लिए। तो गाइस हम दोबारा व्लॉग रात से शुरू कर रहे हैं, और सुबह का मैंने आपको सीन दिखाया था कि मेरी आँख में क्या मसला हो गया था, फिर दवाइयाँ वगैरह खूब डाली हैं, जो दुल्हन है उसने दवाई डाली, उसकी अम्मी ने दवाई डाली, तो मेरी आँख बेहतर हो गई है। उसके बाद सारा दिन कुछ नहीं करा आँख की तकलीफ की वजह से, इसलिए आपको कुछ दिखा नहीं पाई, लेकिन अब मैंने ला व्लॉग दोबारा स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल बारात है तो आज मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई। देखिए, मेरे एक हाथ पे मेहंदी लग चुकी है, दूसरे हाथ पे मेहंदी लग रही है, और मेहंदी वाली मैंने ख़ास बुलाई है, मेरी भांजी है मायरा, मैंने मायरा को बुलाया मेहंदी लगवाने के लिए। मतलब इसका भी छोटी मुन्नी है, मेरा छोटा मुन्ना है, मतलब हम लोग रुक रुक के मेहंदी लगा लेंगे। तो कल के लिए तैयारी शुरू कर दी हमने, बस मेहंदी लग जाए उसके बाद कपड़े प्रेस करूँगी, फिर खाना खा लिया हम लोगों ने, फिर बताते रहेंगे अभी आपको थोड़ा थोड़ा। फिलहाल मेहंदी देख लें आप लोग मेरी। सो गाइस, मेरे मेहंदी कंप्लीट हो गई है, ये देखें मेरे मेहंदी पैरों की हाथ की कंप्लीट हो गई है। मेरी भांजी को बहुत तेज बुखार हो रहा है, उसकी बेटी को बहुत तेज बुखार हो रहा है, फिर भी बच्ची मेरे लिए आई, मेरा बड़ा दिल बड़ा हो गया उसके लिए। बाकी उसके मियाँ आए थे शाम, उसने बच्ची बहुत अच्छे से संभाली, मेरी मेहंदी लग रही थी तो ये बच्ची संभाल रहा था। लपक इसको खुश रखे, आबाद रखे लपक। बाकी बच्चे ने मेरा साथ दिया, मेरी भांजी अपने ही होता है यार, जो इंसान इतना समझ लेता है। बाकी इन लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। इस बच्ची को देखे, इतनी नोजी भी निकल ली है, बुखार भी हो रहा है, दाढ़े आ रही है, अप्पा का लहू पिया है इसने अपनी। सो गाइस, हम लोग आए हैं अभी यहाँ पर, ये है अल्पाइन, और यहाँ पे काफ़ी सारा रश हो रहा है, बड़ा लोग हमें देख रहे हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन काफ़ी सारा रश हो रहा है। आए हैं हम आइसक्रीम लेने के लिए, तो अभी आइसक्रीम लेके फिर घर चलते हैं, मैं आपको ला वो दिखा दूँ थोड़ा। सो व्यूअर्स, यहाँ पे बहुत शदीद वाला रश हो रहा है, शोर आप सुन रहे होंगे, मैं माइक लाना भूल गई, तो हमारी आइसक्रीम आ गई है, हम लोग आइसक्रीम खाने लगे और कुछ पार्सल भी लेके जाएंगे, तो आ जाए हमारे साथ ज्वाइन करें। हाँ जी, ये मुझे देख रहे हैं, मेरी आइसक्रीम पे नियत लगाने वाले हैं। सो गाइस, हमने आइसक्रीम खा ली है और अब हम आए फालूदा लेने के लिए, फालूदा पार्सल ले रहे हैं, फिर हम जाएंगे। बस मेरे मेहंदी लगी हुई है, तो देखें मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ आइसक्रीम के बहाने, आई ना, मैं आइसक्रीम मिल गई मुझे खाने के लिए। अब घर में मिलते हैं। सो व्यूअर्स, मैं आई हूँ अभी, यहाँ पे बड़ा ढोल ढमक्का हो रहा है यहाँ पर, और मैं आपको सबसे पहले एक चीज दिखाती हूँ, फिर उसके बाद आगे का काम शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी मैं अंदर बोल रही थी, लेकिन आपको मेरी आवाज नहीं आ रही होगी, ढोलकी हो रही है, ढोल की आवाजें आपको आ रही होंगी, और आज जगह है हमारे घर में और बहुत मजा आ रहा है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम डांस करने वाली है, लेकिन अभी मैं कैसे डांस करूँगी, मेहंदी लगी हुई है। और दुल्हन की मेहंदी मैंने आपको दिखाई, कैसी लगी जरूर कमेंट्स में बताइएगा, और आगे जो होता जाएगा दिखाते जाएंगे। बाय बाय।
डाउन गाने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। हमने रात से व्लॉग स्टार्ट कर दिया था और अभी भी अब मॉर्निंग हो चुकी है। रात में गुलगुले वगैरह बन रहे थे तो बड़ा मज़ा आ रहा था, रजगा हुआ है रात में, तो सुबह में सोए हम लोग, इसलिए आज उठे भी लेट हैं थोड़ा। और आज बारात है, बहुत सारे काम है, कपड़े प्रेस करने हैं, मुझे पार्लर भी जाना है। और देखें गाइस कितना प्यारा कलर आया है मेरी मेहंदी का। मेरे मियाँ मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मेरी मेहंदी का कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। और मैं तो बड़ी खुश हूँ कि मेरी मेहंदी का कलर इतना डार्क आया है। बाकी अब उठ गए हैं, अभी हलवा पूरी आज ऊपर बन रही है। असल में एक रिश्तेदार हैं जो आज का नाश्ता दे रहे हैं, तो उन्होंने हमें भी बुलाया है नाश्ते के लिए, तो अभी चलेंगे हलवा पूरी खाने के लिए। तो फिर तैयारी शुरू करते हैं शादी की, आज बारात दिखाएंगे आपको। तो व्यूअर्स देखिए चाय बन रही है या ऑयल गर्म हो रहा है, और हमारी बेबी खाला हलवा पूरी बना रही हैं और छोले वगैरह रेडी हो गए हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से पेड़े बन रहे हैं। नाश्ते की तैयारी हो गई है और ये बन गए हैं हमारे तरकारी छोले हलवा। अरे वाह यार, घर में हलवा पूरी की दुकान खुली है। और ये छोले की तरकारी, आलू की तरकारी, ये हलवा है और ये पूरियां बन रही है। आज का नाश्ते में बड़ा मजा आने वाला है और हमारी बेबी बाजी के हाथों का हम खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। गाइस मैं जा रहा हूँ ऊपर क्योंकि आज ऊपर है हलवा पूरी का नाश्ता, तो वो करने मैं भी उठाऊँ थोड़ी देर। ये फ्रेंच फ्रेंच हो, आप देख रहे होंगे ये क्या हो गया यार, ये हल्का सा दाना हो गया, इस पर क्रीम लगाइए ताकि रात तक सेट हो जाए। तो अब चलते हैं ऊपर हलवा पूरी का नाश्ता करने, भूख लग रही है बहुत तेज और बस जा रहे हैं। सो व्यूअर्स ये देखे मेरे मियाँ जी पूरियाँ तलवा रहे हैं ना। मैं तो नाश्ता करने आया था, काम पे लगा दिया। बेबी बाजी ने बोला यार तुम फारिग हो ना, तुम पूरियाँ तलो। तलो और देखें कितनी अच्छी पूरी तल के निकाली है। देखे ये उल्टा चमचा उल्टा घुमाए गोल गोल रेडी हो गई है, बना लिया हमने और देखे हम नाश्ता स्टार्ट कर रहे हैं। लोग चने तो देखे यार, काबुली चने ये बड़े बड़े फुल्की के टुकड़े लग रहे हैं मुझे। छोलों की तरकारी, आलू की तरकारी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और एक मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे रज जगह के गुलगुले भी हैं, मैं आपको रात के व्लॉग में नहीं दिखा पाई, लेकिन ये रज जगह के गुलगुले भी हैं और बहुत टेस्टी बने हैं। ये बेबी बाजी ने बनाया, जिन्होंने हलवा पूरी बनाई है और वो बड़ी प्यारी कुक है। बाकी गुलगुले बहुत बेहतरीन है, मैंने खाए, मुझे एक ज़रा हलवा पूरी लगी नहीं, घर की ये लग रहा है, बाहर से मंगाई है, बहुत ज़बरदस्त कुक है बेबी बाजी और मज़ा आ रहा है नाश्ता करने में। दुल्हन जा रही है पॉलर, अपने भैया से मिल ली है, अपने चाचू से मिल ली है। तो व्यूअर्स मैं जा रही हूँ पॉलर तैयार होने के लिए, बारात आने का टाइम हो जाएगा जल्दी, तो मुझे पॉलर में टाइम लगेगा इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ। फिर मुझे वापसी करके छोटू को भी तैयार करना है, ये मेरे साथ जा रहे हैं, आपको पता है जहाँ मैं वहाँ ये, तो इसलिए हम अब पॉलर जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मैं नहीं आऊँ। हाँ आप यहाँ। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ, मैं अभी पॉलर गई थी, मैंने आपको बता कर गई थी और अब मैं वापसी आ गई हूँ। आज का लुक चेंज है, हेयर स्टाइल चेंज है, मेकअप चेंज है, ड्रेस चेंज है, तो इसका भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये आप मेरा पूरा ड्रेस देख सकते हैं, रेडी हो गई हूँ मैं, हमारी फैमिली भी रेडी हो गई है, एक दो वीडियोस बनाएंगे, फिर गाड़ी आने वाली है, फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के चलेंगे, फिर आपको मिलेंगे चलते साथ। तो गाइस हम लोग रोड पे आ गए हैं, वो गाड़ी खड़ी हुई है, हम लोग गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग आपको बता देंगे हम गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और बारात के लिए निकल रहे हैं हम लोग। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं अभी लॉन में और बस गाड़ी से उतरे, गाड़ी उतरने के बाद मैग्नोलिया ये हमारा लॉन है, तो चलते हैं अंदर। सो गाइस अभी आप देख चुके हैं हम लोग अंदर आ चुके हैं लॉन में और हमारा फोटो सेक्शन भी हो गया, काफ़ी मज़ा आया। तो बस अब दूल्हे वालों का इंतज़ार है, आ जाए वो खाना खाएंगे।
सभी की देनी है, बेटी देनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, छोटे छोटे क्लिप्स नए दिखाते हैं, छोटे छोटे मिलवाई देंगे। तो काचन भाई आपको मजा आ रहा है अभी की शादी में? क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? घूमने आए हो कहीं? घूमने आए हो? आप ही किधर है? उधर है। मम्मा तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? बस खेल रहे हो। आपने क्या पहना है कपड़ों में? सलवार कमीज और बास्केट। ऐसे कपड़े किस किस के हैं? और आपके? चलो बोलो गाइस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। देखें आज हम लोग शादी में आ चुके हैं, अब काफ़ी सारी तस्वीरें वगैरह भी ले ली हम आपको बता चुके हैं। तो जाहिर सी बात है गली में भी गली के भी सारे हमारे मेंबर आएंगे, तो हमारे ये छोटू छोटू से मेहमान आए हुए हैं, देखें इनसे मिले आप। क्या नाम है तुम्हारा? भूल गए नाम सब लोग, जोर से बताओ उनको। क्या नाम है? और तुम्हारा क्या नाम है? भाई का नाम बता दो। अहमद है। हम लोग शादी में आए हैं और अभी हम लोग साथ बैठ के खाना खाएंगे, फिर आपको खाना खाते हुए भी मिलवाते हैं। बाय बाय कर दो। तो गाइस बारात आ चुकी है और बारात के इंतजार में हम लोग खड़े रहेंगे इस वक्त, तो वेलकम करने के लिए। तो बस जैसे ही अंदर जाते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से दोबारा। तो गाइस देखा आपने दूल्हा दुल्हन की एंट्री भी हो गई है, बारात आ चुकी थी वो आपको दिखा चुका था मैं, और बस अब खाना खुलने का इंतज़ार है, वो खाएंगे उसके बाद रुखसत ही हो जाएगी। तो गाइस देखते रहते हैं, छोटी छोटी छिलकियाँ दिखाते रहेंगे आपकी शादी की। गाइस अब खाना खुलने वाला है और हमें खाने का बेसब्री से इंतज़ार है, और मुझे नज़र आ गया खाना खुलते हुए, बहुत भूख लग रही है। बस दौड़े नहीं भाग रहे, उछल रहे, मर रहे हैं जो है हमारे। मैं चेरी बोल खा रहा था तो बड़ी बड़ी लड़कियां मुझे देख रही थी, नियत लगा रही थी। नहीं वो भी नियत लगा रही होंगी, उनको भी बहुत तेज भूख लग रही होगी। भूख तो आ गई बहुत तेज होगी यार। तो अभी हम खाना खाते हुए मिलते हैं, देखते हैं आपको दिखाएंगे। और एक बात बताऊं, खाना खुल चुका है लेकिन हम लोग खा नहीं सकते क्योंकि हम घर के हैं। खुशबू आ रही है और तेज भूख लग रही है। हां मुझे भी खुशबू आ रही है भाई, की रोटी रखी हुई हमारे सामने, और मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ अभी। ये देखिए ये पर्दे के पीछे ये मेरा मुन्ना सो रहा है, दुलन है, दुलन। और ये देखिए सब मैं दूल्हा लेकर आई थी, ये देखें। तो गाइस खाना खुल गया है और ये देखें बिरयानी है, बीफ बिरयानी, चिकन कोरमा और रोटी और अनियन, हम लोग खाना खा रहे हैं। ध्यान से खाना, उन भी खाना खा रहा है मेरे साथ। सो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया है, सो गाइस खाना खा लिया हम लोगों ने और कोल्ड ड्रिंक चल ली है। बस ये अभी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, खाना आपने देखा फिनिश कर लिया हम लोगों ने, बहुत टेस्टी बहुत मजे का खाना था। और यहाँ पे बड़ा शोर तफरी चल रही है, यहाँ पर सब लोग बैठे हुए बातें शातें चल रही है, और मिलते हैं अब शायद थोड़ी देर में, लाजत करते हैं फिर घर चलते हैं, रुखसती होगी थोड़ी सी, रुखसती आपको दिखाती हूँ। सो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ और वो चीज़ देख के आप लोग खुद परेशान होंगे, हैरान होंगे, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है। ये देखें गाइस ये सो गई हैं रुखसती के इंतज़ार में, और रुखसती नहीं हो रही और ये सो रही हैं यहाँ पे। दुल्हन वहाँ पर है, उड़ जाओ, बम पड़ गया तो उड़ गई ना, है ना, है ना गाइस, बम पड़ा है तो उठी है, वरना नहीं उठती है। क्यों क्या हो गया? तो अनस भाई आप कुछ बोलोगे? क्या बोलूं? मजा आया? बहुत सारा है ना। और अबीरा आपको मजा आया? आप क्या बोलोगे? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये लव सुबह से नहीं बोला गया था व्लॉग में, एक बार भी इसने बोल दिया काफी है। अब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे अभी सोने दें। निकल चुके हैं, बारात ख़त्म हो गई है, खाना खा लिया, रुखसती दिखा दी आपको, और अब हम लोग बस में बैठ गए हैं और अब निकलने की तैयारी है। तो अभी घर जाके आपसे मिलते हैं, बाकी बस में बड़ी खिची पिची हो रही है, बहुत
तेज नींद भी आ रही है मुझे। अभी बस दिखाऊं कैसे हो रहे लोग, कैसे बैठे हुए लोग दिखाऊं, नेक में दिखा रही हूँ किसी की शक्ल में दिखा सकती सबको, सर दिखा रही हूँ सबके। तो अब मिलते हैं घर जाके, फिर गुड नाइट, अल्लाह हाफिज करते हैं, व्लॉग का एंड करते हैं और फिर टाटा बाय बाय। सो व्यूअर्स, हम लोग घर आ गए हैं शादी से फारिग होकर, और मैं पहले आ गया था, आप देख रहे होंगे चेंज चल लिया, तो मैं काफ़ी पहले आ गया था, गेट भी खोल रहा था, तो ये भी पहुँचनी है, मोबाइल भी इनके पास था, नहीं तो मैं ब्लॉग बना लेता अपना। तो गाइस उम्मीद करते हैं ब्लॉग आपको पसंद आएगा, प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह वली में, हम आपको ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, तो अब मुलाकात होगी वली में। तो जब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लेकिन अभी बीच में ना मून का बर्थडे आ रहा है 30 तारीख को, तो वो इंशाल्लाह वो भी सेलिब्रेट करेंगे, वो भी आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, सरप्राइज देंगे उसको। चलें गाइस, अल्लाह हाफिज़।